इन दिनों एमएलए आकाश विजयवर्गीय लगातार अपनी विधानसभा को विकास कार्यों की सौगात देते चले जा रहे हैं। जहां पर रामबाग दशपिंड पर निर्मित नवीन रसोई घर का लोकार्पण किया गया है, देखिए रिपोर्ट। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा दी गई सांसद निधि से निर्मित सभागृह एवं विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दी गई विधायक निधि से निर्मित नवीन रसोई घर का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत बड़ी संख्या में रामबाग दशपिंड क्रिया स्थल से जुड़े समिति सदस्य मौजूद रहे। आपने जो मेरा भी आपने इसमें जिक्र किया, मुझे लगता है वो तो कुछ भी नहीं है, जो प्रयास, जो संघर्ष और जो नेक सोच आप लोगों की इस संस्थान के विकास के लिए रही है, ये बहुत ही वाकई में बधाई के पात्र है। मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग इस पूरी जो समिति का एक बार तालियां बजाकर के उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा, मैंने तो इन्हें ये तक कह दिया था कि यार आप सोचो ही मत, पॉइंट वन का जो चाहिए बता देना, सब हो जाएगा, मगर उसके बावजूद इन्होंने बहुत कंजूसी से काम, मतलब बहुत कंजूसी से मेरे से भी मांगा। मैंने बोल दिया था कि जो चाहिए तो आप इसको बहुत अच्छे से डेवलप करो, मगर कम फंड में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही व्यवस्थित आपने काम कराया, उसके लिए वाकई में आप फिर से बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और इसी प्रकार से नए काम करते रहें। हम लोग तो प्रयास करते ही हैं अच्छे से अच्छे इस प्रकार के काम हो। आप सबके सहयोग से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से, बहुत जैसे सड़कों की यदि हम बात करें तो क्षेत्र में लगभग सारी जो प्रमुख सड़कें थी अपन लोगों ने मिल करके डेवलप करा ली है, या तो उसका टेंडर हो गया या काम चल रहा है अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। पानी की हम लोग 5 नई टंकियां सिर्फ इस विधानसभा के लिए, 5 नई टंकियां और पाइपलाइन लगभग 50 करोड़ की हमारी बन करके तैयार है, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई जल्दी। इस दौरान रसोई घर के लोकार्पण समारोह में क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।